अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? अलग अलग तो अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ प्रॉन्स पुलाव, बना रही हूँ अभी। तो उसमें मैंने है ना मसाला लिया, बस बताती हूँ आप लोग थोड़ा सा बेसिक चीज़ है, पूरा एकदम इजी है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। देखो ये मसाला इसका मैंने बनाई हूँ, उसमें है ग्रीन चिली है, हरा कोरिएंडर है, कोरिएंडर पाउडर है, और क्या इसका नाम है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, एक टमाटो है, छोटा अनियन है ये वाला। और ये बघार, उसको बघार करूंगी ना, तो उसके लिए प्याज है, जीरा है, 8-10 काली मिरी है, 2 बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी है, 4 लौंग है, और ये अनियन है। और उसमें थोड़ा सा भाजी डालूंगी, वेजिटेबल में थोड़ा सा ग्रीन पीस है, कैरेट है, और ये सर गवार की फली थी मेरे पास, तरकी थी डाल दी, और एक छोटा सा पोटैटो डाली हूँ, डालूंगी। तो अभी मैं बताती हूँ आप लोग कैसा बनाती हूँ मैं। और प्रॉन्स तो बताएं आप लोगों को, प्रॉन्स ना, और ये प्रॉन्स है जिसको मैंने क्लीन करके रख दी हूँ, ये 250 ग्राम है ये सब प्रॉन्स। तो अभी मैं बता, देखो सब डाल रहे हैं भैया, ये ऑलिव ऑयल है, ये अपने अंदाजे से डालती हूँ मैं, और इसमें थोड़ा सा एक चम्मच में घी भी डालूंगी, घी से क्या पुलाव में अच्छा टेस्ट आता है ना। ये देखो हमारा घी, ये अमूल का घी लेती हूँ मैं, इसने डब्बे में निकाल के रख दी, अभी गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना तो फिर डाल दूंगी। और राइस को मैंने पहले, बासमती राइस को पहले से भिगा के रख दी थी, सोप करने रख दी थी। ये देखो थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा ना हल्का सा, फिर इसमें मसाला डालेंगे। देखो प्याज हो गई हल्की से ब्राउन, फिर मसाला डाल देते हैं। ये बचा कुचा मसाले का पानी इसमें डाल दो, और इसको अच्छे से अभी भूनना है। मसाले में मैंने हल्दी वगैरह डाल दी थी, मसाला एक बार और रिपीट करती हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरा धनिया है, धनिया का पाउडर है, और जैसे एक टमाटर है, छोटा सा प्याज है, ये सब है। अब इसको अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा पानी और डालते हैं, पहले मसाले को भूनूंगी अच्छे से, मसाला अच्छे से भूनना बहुत जरूरी है। ये देखो सब अच्छे से भून गया, इसमें मैंने वेजिटेबल प्रॉन्स सब डाल दी थी, तो अच्छे से एकदम भून गया है। अब इसमें हम ना राइस डालेंगे एकदम, सब हो गया है। राइस को मैंने भिगा के रख दी थी पहले, 30 मिनट्स पहले भिगा के रखी थी, अब मैं डालती हूँ। अभी इसमें मैं नमक डाली नहीं हूँ, नमक डालूंगी अभी। पानी अब आपके हिसाब से डालना, आपका राइस कैसा है वैसे हिसाब से डालना, नया है या जूना है अंदाजा आपको होना चाहिए। पहले कम ही डालने का पानी, देखने का फिर कैसा है तब डालो। तो ये पानी बच गया था मसाले का ना, वो भी डाल देती हूँ मैं, वेस्ट नहीं करती हूँ, ऐसा मैं वेस्ट नहीं करने का कभी भी। मिक्स करती हूँ उसको, मैंने ये बासमती राइस में तो उसको आधा घंटा पहले भिगा के रख दी थी। मेरा क्या अंदाजे से होता है पानी का ना,
सबका अपना अपना राइस पर डिपेंड होता है। मेरे को थोड़ा और पानी डालना पड़ेगा क्योंकि मेरा राइस ये बहुत फूलता है, मतलब थोड़ा। अब इसमें मैं नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए जितना चाहिए। बस इतना बहुत होगा मेरे लिए। कचुम्बर बनाना है लेकिन उसके लिए ना कुकुम्बर नहीं है, तो देखती हूँ, मंगाती हूँ पहला, फिर बना लूंगी कचुम्बर। ये देखिए अब इसमें बॉईल आएगा, ये पकेगा, उसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ। इसको दो तीन बॉईल आएगा, अच्छा बॉईल आ जाएगा ना, बाद में सिंग थोड़ा मैं कम कर दूंगी। ये देखिए हमारा पुलाव बन गया है। इसको थोड़ा सा फिर साइड से ऊपर नीचे कर लेती हूँ। इसको भी ना थोड़ा सा भी नीचे से जलाऊंगी, मेरे को ना थोड़ा सा जला हुआ रहता है ना अच्छा लगता है। थोड़ा सा इसको दम पे और रखूंगी मैं, इसे तो पूरा हो गया है। ये देखिए कैसा अलग अलग रहा राइस मेरे। अच्छा मेरे घर में मसाला पूरे मेरे घर में खुशबू आ रही है। इसमें ना बिरिस्ता बना के रखी थी, थोड़ा सा ये डाल देंगे, थोड़ा सा ही था, मैं भूल गई बनाना, पर रहता है मेरे पास बिरिस्ता, हमेशा मेरे पास रहता ही है, मेरे को लगता रहता है ना बिरिस्ता। उसको ऊपर से मैंने एक चम्मच और थोड़ा सा घी डालूंगी, उसका स्वाद अच्छा बढ़ जाता है ना थोड़ा सा। ये देखिए पूरा रेडी हो गया है, लेकिन मुझे क्या थोड़ा सा नीचे से लग जाता है ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी सब रेडी हो गया है। बताना आप लोग कैसा लगा मेरा ये रेसिपी, मेरी कैसे लगी है, मेरा पुलाव कैसा लग रहा है आप लोगों को, माशाल्लाह बोलना। ठीक है गाइस, ये मेरे थोड़ा सा मेरे खुद के लिए ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बताना मेरा पुलाव कैसा लगा आप लोगों को। इंशाल्लाह फिर दूसरे रेसिपी के साथ में मिलूंगी मैं और बहुत जल्दी आप लोगों को। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह मिलती हूँ दूसरे वीडियो के साथ में बहुत जल्दी। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।